माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल कैम एलेक्सा, आप सभी का स्वागत है। आज एक बेसिक प्रिंसिपल के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री अभी बिगिनर्स है, 11th क्लास में है, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस हो सकता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो सकता है, CUET हो सकता है, नेट हो सकता है, कई जगह एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले की जरूरत आपको पड़ेगी। तो यहां पर देखिए, कंपाउंड का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अब यहां पे क्लियर है इस फार्मूले में कि कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। लेकिन अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला देखें, तो एम्पिरिकल फार्मूला इसका CH2O है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो है, सिंपलेस्ट रेशियो आ जाता है। तो ध्यान रखिए, एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है कंपाउंड के अंदर, उनके एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, यह एम्पिरिकल फार्मूला बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनके एग्जैक्ट कितने एटम्स प्रेजेंट है, यह मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। और एम्पिरिकल फार्मूला में उनका सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। जैसे यहां पर ऑक्सीजन 1 है, 1:2:1, ये जो रेशियो हो गया, जबकि इसमें एग्जैक्ट कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, 6 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, 1:2:1। तो इस तरह से एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, यह आपको समझना चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स पता चलता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स पता चलते हैं। तो आप देखिए, यहां पे मैं बताने जा रहा हूं आपको, हम ये बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से एम्पिरिकल और फार्मूला निकाला जाता है। तो देखिए, एक कंपाउंड है जिसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड, जिसमें एलिमेंट का कंपोजिशन गिवन है, कहता है कार्बन इसमें 54.2% है, हाइड्रोजन इसमें 9.2% है और ऑक्सीजन इसमें 36.6% है, और इसका मॉलिक्यूलर मास 88 AMU है। कहता है इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको इसमें दो टेक्निक बताएंगे, एक कन्वेंशनल टेक्निक जो बुक्स में है, जो क्लासेस में सिखाई जाती हैं, और एक नॉन कन्वेंशनल टेक्निक भी हम आपको सिखाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव वगैरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए। तो आप देखिए किस तरह से प्रोसीड करते हैं। पहले कन्वेंशनल मेथड हम बताने जा रहे हैं आपको। हमें टेबल बनाना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। कार्बन है,
हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनका एटॉमिक मास ब्रैकेट में लिख लेंगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। परसेंटेज कंपोजिशन नोट करेंगे, कार्बन का है 54.2%, हाइड्रोजन है 9.2% और ऑक्सीजन है 36.6%। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, जो भी परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो 12 से डिवाइड कर दिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 1 से डिवाइड कर दिया, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 16 से डिवाइड कर दिया। बस डिवीजन बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। फोर पॉइंट फाइव वन सिक्स आ रहा है यहां पर, यहां पे तो 9.2 ही आएगा। 36.6 डिवाइडेड बाय 16 यह आ रहा है 2.2875। अब इसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए ये जो तीनों आए हैं नंबर एटॉमिक रेशियो, उनमें जो सबसे कम है, सबसे कम कौन सा है यहां पर 2.2875, इनसे तीनों को डिवाइड कर देंगे। 2.2875 अपॉन 2.2875 ये 1 आ गया, 9.2 अपॉन 2.2875 आ रहा है 4.02। यह रहा 1.975। इसके बाद अगले कॉलम में हम ले लेंगे होल नंबर रेशियो। तो ये तो 1 आ ही रहा है, 4.02 ऑलमोस्ट इट इज 4, 1.975 ऑलमोस्ट इट इज 2। मैं स्टूडेंट को यहां बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कहीं 0.25 आ रहा है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों नंबर को, अगर कहीं 0.5 आ रहा है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों नंबर को, और कहीं 0.33 आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 0.99 आ जाएगा जिसको हम लोग 1 ले लेंगे। तो इस तरह से डेसिमल के बाद 0.25 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेसिमल के बाद 0.5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेसिमल के बाद 0.33 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई तीनों नंबर को करना है, यह बहुत ध्यान देना है आपको। तो यहां पर देखिए एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, C2H4O। एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग निकाल चुके, अब इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप रिकॉल कर लें। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इस तरह लिखेंगे, जो एम्पिरिकल फार्मूला आ रहा है
होल एन। एन यहां पे क्या कहलाता है? एम्पिरिकल कोफिशियंट। एम्पिरिकल कोफिशियंट किस तरह काउंट किया जाता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास दिया है 88, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे। देखिए दो कार्बन है तो 24 हो गया, चार हाइड्रोजन है 4 हो गया, एक ऑक्सीजन है 16 हो गया, यह आ गया 44। तो 44 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे देखिए एन का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। एम्पिरिकल कोफिशियंट आ गया 2। और एम्पिरिकल कोफिशियंट आने का मतलब है कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C2H4O होल ट्वाइस, यानी आ गया C4H8O2। तो इस तरह से पहले एम्पिरिकल फार्मूला फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम ये टेबुलेटेड मेथड से या जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन अब टाइम ऐसा है हम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अपीयर होना है, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, तो हमें स्मार्ट टेक्निक का भी पता होना चाहिए। कम टाइम में जल्दी से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो इसकी टेक्निक हर स्टूडेंट्स को सीखनी है। मैं एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला विद इन नो टाइम आ जाएगा, एक मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो टेक्निक मैं सिखाने जा रहा हूं आपको। अल्टरनेटिव मेथड, देखिए फिर हम बताने जा रहे हैं आपको कार्बन कितना परसेंटेज था 54.2, हाइड्रोजन कितना परसेंटेज था 9.2, ऑक्सीजन कितना परसेंटेज था 36.6, और मॉलिक्यूलर मास 88। एक छोटा सा फार्मूला याद करना पड़ता है, याद भी हो जाता है आसानी से, कोई बात नहीं। देखिएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू परसेंटेज बाय 100 इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास। अब देखिए मान लीजिए कार्बन का एटम पता करना है तो कार्बन का परसेंटेज कितना है 54.2 परसेंटेज बाय 100, मॉलिक्यूलर मास कितना है 88 और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12। और मैं बताऊं आपको इसको सॉल्व करेंगे आप तो डायरेक्ट कार्बन के एटम आ जाएंगे। एग्जैक्ट आ गई है 4। हाइड्रोजन निकालेंगे हम, कितना परसेंटेज है हाइड्रोजन का? अभी देखिए 9.2 परसेंट है, परसेंटेज बाय 100 इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास 1। अब देखते हैं कितना आता है हाइड्रोजन का नंबर, नाइन पॉइंट टू इंटू 88 डिवाइडेड बाई 100, यह आ गया 8। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम आ रहे 8। अब ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज है 36.6 परसेंटेज बाई 100 इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। सॉल्व करके देखते हैं हम लोग,
ये आ गया टू। तो माय डियर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने है, कोई टेबल बनाने का जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। विद इन ए मिनट आप किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला इस डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ एक फार्मूले का जरूरत होता है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू परसेंटेज बाई 100 इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास। तो बहुत ही यूजफुल रिलेशन है, हर स्टूडेंट के काम आएगा ऐसा मेरा विश्वास है, और अगर आपके काम आता है तो मैं समझता हूं कि आज का वीडियो बनाना मेरा सफल रहेगा, सार्थक रहेगा। सभी स्टूडेंट से, सभी दर्शक से, सभी मेरे फ्रेंड से अपील कि अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और हमारा ये मेथड अगर आपको पसंद आ रहा है तो थोड़ा लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आई होप ये आपके काम आएगा, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताइए आप लोग कि एक ऐसा डायरेक्ट मेथड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक आध चीज़ें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में और बता करके मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोकूंगा, तो ध्यान दीजिएगा आप। देखिए ग्लूकोज आपने देखा फार्मूला है C6H12O6, एसिटिक एसिड फार्मूला है CH3COOH यानी C2H4O2, फॉर्मल्डिहाइड HCHO यानी CH2O। माय डियर स्टूडेंट ये तीनों कंपाउंड, इन तीनों कंपाउंड का आप देखिए एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, तो टू आर मोर कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं, ये याद रखना है आपको, कि कोई जरूरी नहीं है कि कंपाउंड अलग है तो उनके एम्पिरिकल फार्मूले अलग होंगे ही, दो या उससे भी ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं। दूसरी एक बात और हम बताना चाहते हैं आपको, देखिए ग्लूकोज फ्रक्टोज मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, एम्पिरिकल फार्मूला सेम, अगर किसी दो कंपाउंड का सेम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो वो एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर, सेम एम्पिरिकल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, तो वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने आज आपको एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, और क्या उनके कैलकुलेशन की टेक्निक है, कन्वेंशनल मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, ये दोनों हमने आपको सिखाया। तो मेरी स्टूडेंट से अपील कि इसको आप रिवाइज कीजिएगा, तैयार कीजिएगा, आई होप ये आपके काम आएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।